आज हम आ गए हैं झाड़ी पानी और एक नए सफर पे। हाँ, अच्छी खासी धूप है और दिन के बज रहे हैं 12 और ये एक हिडन प्लेस है। लाइक मैं एक मालदेवता के फॉल पे गया था वैसा ही है ये भी, थोड़ा अलग है। और वी आर जस्ट नियर टू मसूरी और यहाँ पे मौसम ठंडा सा है धूप होने के बावजूद भी, और मैं आया हुआ हूँ अपने एक दोस्त के साथ। ये है अमित, रास्ता कितना भी खराब हो हमें जाना है। तो ये जो पीछे रास्ता दिख रहा है ये वाला, तो हमें यहाँ से होते हुए जाना है और आई होप मैं बिकना जाऊँ, नहीं तो मेरे जो शूज है वो खराब हो जाएंगे। हमने क्रॉस कर लिया है और हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हैं। पत्थर कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं यहाँ पे, पर जो फॉल है वो काफ़ी क्लासी है। आई शो यू राइट इन अ मिनट। हम सोच रहे कहाँ से जाएं, और चलो यही से चलते हैं। साहिल भाई तुम हमारा स्पीकर अपने पास ले गए यार, ये बहुत गलत किया है, तो बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे। तो फाइनली वी बी मेड टू द फॉल। पानी थोड़ा कम हो गया लग रहा, बाकी सही है। अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके, यहाँ की जो ब्रीज है, पीछे वाटरफॉल की जो हवा है वो काफ़ी महसूस हो रही है मुझे यहाँ तक। सूरज जाने के बाद पता नहीं कैसा लगेगा यार, बहुत ठंड लगने वाली है मुझे लग रहा है। तो हम यहाँ से निकलेंगे, जैसे ही सूरज चले जाएगा चाय वाय पियेंगे शाम तक अपना मसूरी वाली रोड पर। और ये जो लोकेशन है, हाँ ये तो आई थिंक आपको बताना भूल गया, ये जो लोकेशन है ये है मसूरी में, मसूरी से थोड़ा पहले है, इसे हम बोलते हैं झाड़ीपानी। ये शायद सबको पता नहीं है, इट्स बीन अ हिडन प्लेस फॉर लॉट ऑफ पीपल लिविंग इन देहरादून, और दिल्ली वालों को तो शायद कोई आइडिया नहीं है, वो तो पूछ पाछ के आते हैं या उन्हें कोई सजेस्ट कर देता है तो वहाँ आते हैं। तो आप भी ज़रूर आना, आपको भी बहुत मज़ा आएगा यहाँ पे आके, अच्छा फील होगा, महसूस होगा। और दो चार आप दोस्त हैं तो यू कैन फिट है, यू कैन एंजॉय देयर कंपनी अलॉन्ग विद द नेचर वी आर लिविंग हियर। और नहा भी सकते हो यार, अगर करेज है तुम्हें तो यहाँ आराम से डुबकी भी लगाई जा सकती है ठंडे ठंडे पानी में।